आइए कभी घूमने के लिए हमारे सदिया में। बाहर से उतना ज़्यादा ट्रैफिक तो है नहीं, तो हम लोग थोड़ा जल्द ही पहुँच सकते हैं। ये गाइस यहाँ से फिर एक बार टर्न कर रहा है, जो एस डिजाइन का है ना, इसलिए ये दो बार टर्न है मतलब। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज ये मेरा पहला ब्लॉग है और फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ना, तो कैमरे में बात करने के लिए थोड़ा मतलब नर्वस भी हो रहा है, तो फिर भी अभी बना देता हूँ। तो आज हम लोग तिनसुकिया से सदिया जाएंगे। तो जो आप लोगों को मैं जो सदिया का जो व्यू है, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो आसाम की जो सुंदरता है, वो सब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा झलक दिखाऊंगा। तो हम लोग गाड़ी में जाएंगे ना, तो उतना अच्छे से आप लोगों को दिखाने एक्सप्लेन करने के लिए मैं नहीं सकता, तो नहीं सकूँगा, तो थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाऊँगा। फिर भी आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं निकल चुका हूँ, अभी हम लोग जाएंगे। ठीक है, अभी खाना वाना खा के, नहा धो के खाना वाना खा के हम निकल चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर यहाँ से जाके गाड़ी में उठने के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जो उसके बाद जो होता है, मतलब कि उसका व्यू स्यू जितना भी जो सदिया का जो मतलब कि व्यू होता है, वो सब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए गाइस चलते। तो फाइनली गाइस हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब कि सदिया। तो चलिए गाइस चलते हैं मतलब कि सदिया। हमारे ड्राइवर भाई ने हमें बहुत रुका दिया, मतलब कि गाड़ी रुकते रुकते यार इतना टाइम लग गया, एक दो घंटा तक हमें रुका दिया हमारे ड्राइवर दादी ने। तो अभी हम जा रहे हैं मतलब कि सदिया। तो आपको हम दिखा दूंगा कि लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, जो कि सदिया ब्रिज, वो भी देखने को मिलेगा आपको, और हमारी आसाम की जो सुंदरता है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करूँगा। तो चलिए गाइस चलते, देखते आगे 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 की व्यू। तो आज उतना ज़्यादा ट्रैफिक तो है नहीं, तो हम लोग थोड़ा जल्द ही पहुँच सकते हैं घर तक। तो चलिए गाइस आगे देखते। तो ये देखिए गाइस कितना सुंदर है जो चाय की बगान, देखिए जो अंदर का जो हरे रंग का है वो इतना सुंदर दिखाई देता है ना, जब आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा, मतलब कि इतना सुंदर है, मतलब कि आसाम का जो ये आसाम को सुंदरता देता है तो सिर्फ और सिर्फ चाय की बगान, इसलिए मतलब कि घूमने के लिए आइए आसाम में, देखिए इतना सुंदर सुंदर होता है। जब आएंगे तो इधर सदिया की ओर भी आइए। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, जो कि सदिया ब्रिज, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो चलिए गाइस चलते। देखिए गाइस कितना सुंदर है ये सब, देखिए यहाँ पर इसे बोलते हैं सरसों का जो खेती लगाया हुआ है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखिए सर यहाँ पर कितना अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अभी हम लोग ब्रिज में भी पहुँचने वाले हैं, तो एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं भी, और आप लोगों की भी थोड़ा एक्साइटेड हो रहा होगा। तो अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग रौला सदिया सेतु, यानी कि द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, वहाँ पर अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो देखिए गाइस यहाँ से अभी शुरू होगा। जा रहे हैं तो देखिए अभी शुरुआत हो रहा है, देखिए आगे में देखिए वो जो पुलिस स्टॉप लगाया ना, वहाँ से स्टार्ट होता है मतलब ब्रिज। तो भूपेन हजारिका सेतु, ये देखिए ये बोर्ड में भी दिखाया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ से अभी हम लोग का ये स्वागत लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिज। देखिए गाइस कैसे टर्न ले रहा है ब्रिज, वो आगे में जो दिखाई दे रहा है ना वही है ब्रिज, कैसे टर्न ले रहा है ब्रिज यहाँ पर। तो
से फ्रंट करेगा अभी ब्रिज। देखिए ये देखिए फ्रंट कर रहा है ब्रिज अभी, ये मतलब थोड़ा एस डिजाइन में है ना, तो थोड़ा सा फ्रंट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से ब्रिज। बहुत ही लंबा ब्रिज है, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज बोलने से अभी बहुत ही लंबा है, 9.15 किलोमीटर का है ये ब्रिज। तो यहाँ पर आप लोगों को पिकनिक खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, तो अगर आप लोग आते हैं टूर में तो यहाँ पर बहुत घूमने का बहुत ये अच्छा जगह है, तो आ सकते हैं यहाँ पर आप लोग। अभी क्या बताऊँ गाइस, बहुत ही अच्छा जगह है, तो आइए कभी घूमने के लिए हमारे सदिया में, आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा जगह देखने को मिलेगा। ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र जो कि बहुत ही बड़ा रिवर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में ये जो ब्रिज बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। देखिए आप लोग ये ब्रिज है, ब्रिज में देखिए कितने आदमी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोटो भी ले रहा है कितने आदमी लोग, ये देखिए फ़ोटो वोटो ले रहा है, और बहुत आदमी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये देखने के लिए। कभी आइएगा यहाँ पर घूमिएगा और यहाँ का मज़ा ले लीजिएगा, और ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये गाइस यहाँ से फिर एक बार टर्न कर रहा है जो एस डिजाइन का है ना, इसलिए ये दो बार टर्न है, मतलब एक तरफ राइट में तो एक तरफ लेफ्ट में टर्न होके ये जा रहा है। देखिए ये ब्रिज बहुत ही लंबा है, अभी हम लोग एग्जिट पॉइंट में पहुँचने ही वाले हैं, तो देखते रहिए गाइस आगे क्या होता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखिए कितना सुंदर है हमारा जो सदिया है, बहुत ही सुंदर, आसाम का जो सदिया अंचल बोलते हैं इसे, तो बहुत ही सुंदर जगह है ये घूमने के लिए, और ये सबसे बेस्ट तो ये पिकनिक खाने के लिए, तो हम लोग पिकनिक खाते हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। और आगे देखिए अभी एग्जिट पॉइंट में पहुँचने वाले हैं हम लोग। ये हम लोग पहुंच गए एग्जिट पॉइंट में, तो हमने पूरा कंप्लीट भी कर लिया, और ये देखिए यहाँ पर पोस्ट कितना ठो है ये दिखाया था, यहाँ पर थोड़ा आगे भी दिखाया हुआ है, तो आगे देखते हैं हम लोग इस ब्रिज में कितना पोस्ट लगाया हुआ है वो यहाँ पर दिखाएगा अभी। तो 182 अभी यहाँ पर पार हुआ, तो शायद 183 हो सकता है, आगे में एक होगा या नहीं होगा वो आगे में दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओह सॉरी 182 पोस्ट है यहाँ पर, जो इस सदिया ब्रिज में 182 पोस्ट से बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये हमारा एग्जिट हो चुका है जो ख़त्म हो चुका है ब्रिज, अभी हम लोग सदिया अंचल में घुस चुके हैं। और देखिए कितना सुंदर है ये जगह, तो देखिए बहुत ही सुंदर है यहाँ पर देखने के लिए, आप लोगों को मिल रहा होगा बहुत ही सुंदर है ये जगह, और घूमने के लिए खाने के लिए रहने के लिए भी बहुत सुंदर है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा जगह है ये। देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, कभी आइएगा यहाँ पर घूमने के लिए। गाइस हम लोग अभी घर में पहुँच चुके हैं, तो मेरा अभी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ना, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तो इतना ही है अभी, बाय।